हेलो प्यारे बच्चों, मैं प्रियांक भट्ट आपका स्वागत करता हूँ प्रियांक भट्ट मैथ्स में। तो कैसे हैं आप सब? चलिए, हम 9th क्लास की मैथ्स पढ़ रहे हैं। आज हम चौथा चैप्टर देखने वाले हैं। इस चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं दो चरों वाला रेखीय समीकरण। तो इस चैप्टर का सबसे पहले हम बेसिक समझेंगे, फिर उसके बाद हम एक्सरसाइज 4.1 शुरू करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। चैप्टर का नाम है, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो इसको हिंदी में बोला जाता है दो चरों वाला रेखीय समीकरण। ठीक है, सबसे पहले हम इसमें जो टर्म आ रहे हैं लीनियर इक्वेशंस वेरिएबल्स, पहले हम इन सबको समझ लेते हैं कि ये क्या चीज है। ठीक, तो एक 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 स्टेप समझते हैं। सबसे पहले तो बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे हम सबसे पहले। तो पहला है वेरिएबल्स, हिंदी में क्या बोलते हैं चर। वेरिएबल्स क्या होते हैं? तो सबसे पहला क्वेश्चन वेरिएबल से है। अ वेरिएबल इज अ क्वांटिटी दैट मे चेंज विद इन द कंटेक्स्ट ऑफ अ मैथमेटिकल प्रॉब्लम। सीधा सा डेफिनेशन ये है कि जिनका मान बदलता रहता है वो क्या कहलाते हैं? वेरिएबल कहलाते हैं। ठीक है, जिनकी जो वैल्यू है वो क्या होती रहे? चेंज होती रहे, वो क्या कहलाते हैं? वेरिएबल, चर कहलाते हैं। ठीक, अब कैसे वैल्यू चेंज होती? देखो, मान लो मैंने लिखा कि मैंने कोई पेन, मैं एक पेन खरीद रहा हूं। ठीक है, मैं मार्केट गया और मैंने एक पेन खरीदा। अब मैंने आपसे बोला कि वो पेन मैंने एक्स रुपए में खरीदा। तो इससे आपको समझ में नहीं आएगा कि ये कितने रुपए में ले लिया आपने। एक्स रुपए क्या है? तो एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है? मैं पेन 2 रुपए में भी खरीद सकता हूं, 5 में भी ले सकता हूं, 10 में भी ले सकता हूं, 20 में भी ले सकता हूं। जितनी वैल्यूज में मैं पेन खरीद सकता हूं वो सारी वैल्यूज हम एक्स की रख सकते हैं। ठीक है, तो इन सबको इकट्ठा डिनोट करने के लिए कि हम कोई भी वैल्यू ले लें उसके लिए एक सिंबल यूज किया जाता है, उसी को क्या बोलते हैं? वेरिएबल, चर बोलते हैं, जिसकी वैल्यू बदलती रहे। मैंने आपसे बोला कि मैंने 1 रुपए का पेन लिया, तो आप क्या समझ सकते हो? 1 रुपए का, 2 रुपए का, 3 रुपए का, 4 रुपए का, जितने रुपए आप समझ सकते हो उतने रुपए का पेन लिया। लेकिन जब मैं एग्जैक्ट बता दूंगा कि मैंने हाँ इतने रुपए का पेन लिया, तो वो वैल्यू क्या हो जाएगी? एक कॉन्स्टेंट बन जाएगी फिर। ठीक है, तो वेरिएबल क्या होते हैं? वेरिएबल का मतलब होता है वेरी, वेरी मतलब होता है जो चलता रहे, है ना, स्थिर ना रहे। ठीक है, जिस जो चेंज होता रहे। ठीक, कैसा होता रहे? चेंज, तो वो क्या कहलाता है? वेरिएबल कहलाता है। तो वेरिएबल्स कैसे होते हैं? जिनकी वैल्यू हमेशा चेंज होती रहती। ठीक है, आगे समझ में। इन्हें हम एक्स वाई जेड ए बी सी या फिर एल एम एन किसी से भी शो कर सकते हैं। ठीक है, हमको अल्फाबेट लेना है तो उन्हीं को हम क्या कहते हैं? वेरिएबल्स कहते हैं। ठीक है, इनकी वैल्यू हम कुछ भी रख सकते हैं। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लेते कांस्टेंट, अचर। तो चर क्या है? अचर का उल्टा, मतलब वेरिएबल का उल्टा करोगे तो कांस्टेंट। तो वेरिएबल क्या है? जो चेंज होता रहता है वो वेरिएबल, और अचर क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। इसका उल्टा कर दो, जो चेंज ना हो, हूज वैल्यू इज फिक्स्ड आर कॉल्ड कांस्टेंट, जिनका मान बदलता नहीं है। मैंने आपसे बोला कि मैंने 5 रुपए में पेन खरीदा है। ठीक है, तो क्या आप इसको 6 रुपए मान लोगे? क्या नहीं मान सकते? क्यों? 6 रुपए ज्यादा होता है। क्या इसको 4 रुपए मान लोगे? क्या 4 भी नहीं मान सकते? 5 रुपए से ये क्या है? 4 रुपए कम है। मैंने आपसे बोला कि मैं 5 रुपए का पेन खरीदा है, तो आप इसमें कोई भी वैल्यू पुट नहीं कर सकते। सिर्फ आप क्या मानोगे कि हाँ 5 रुपए का पेन लिया आपने, ना 5.5 का, ना 4.5 का। ठीक है, तो ऐसी वैल्यू जो क्या होती हो? फिक्स होती हो, कांस्टेंट, जो चेंज ना होती हो, वो क्या कहलाते हैं? कांस्टेंट कहलाते हैं, अचर, जो बदलते नहीं है। ये हमेशा नंबर्स होते हैं, 1, 2, 3 अप टू डैश डैश डैश, जितना बड़ा नंबर आपको लेना हो, ये सारी वैल्यूज क्या कहलाती हैं? ये कांस्टेंट कहलाती है। ठीक है, और एक्स वाई जेड ए बी सी एल एम एन अल्फाबेट आ जाए तो वो क्या कहलाते हैं? चर कहलाते हैं। और कांस्टेंट क्या कहलाते हैं? अगर नंबर आ जाए तो वो क्या कहलाते हैं? कांस्टेंट कहलाते हैं। क्लियर हो गया? इतना समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या आता है? लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? लीनियर मतलब होता है रेखीय, और इक्वेशन मतलब क्या होता है? समीकरण। तो
तो परिभाषा देख लो, एन इक्वेशन विच हैव वेरिएबल ऑफ 1 डिग्री एंड देयर ग्राफ इज ऑल्सो स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। हिंदी में क्या है? वह समीकरण जिसमें चर व अचर दोनों हो उपस्थित हो तथा चरों की अधिकतम घात एक हो एवं इनका आलेखी निरूपण एक सरल रेखा हो तो उसे क्या कहते हैं? रेखीय समीकरण कहते हैं। ठीक है, ये बहुत बड़ी परिभाषा हो गई। तो देखो सिंपल वर्ड्स में आपको बताता हूं, ये आपने वेरिएबल पढ़ा, ये क्या पढ़ा? कांस्टेंट। इनको मिला करके आप, जैसे मैंने लिखा 2x+5=0, ये मैंने क्या लिख दिया? ये कहलाता है एक इक्वेशन। इसको इक्वेशन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसमें देखिए, इसमें वेरिएबल भी है और कांस्टेंट भी है। तो ऐसा इक्वेशन, ऐसा समीकरण जिसमें क्या हो, वेरिएबल भी हो कांस्टेंट भी हो, वो क्या कहलाता है? लीनियर इक्वेशन कहलाता है। ठीक, पहली बात तो क्या होना चाहिए कि उसमें वेरिएबल होना चाहिए और कांस्टेंट। तो देखो 2 और 5 क्या है? कांस्टेंट है, और एक्स क्या है? वेरिएबल है। तो ये कंडीशन फुलफिल हो गई। नेक्स्ट क्या बोलता है? चर अचर दोनों हो, ये तो ठीक है। नेक्स्ट क्या बोलता है? चरों की अधिकतम घात एक हो, मतलब जो वेरिएबल्स हैं उनकी जो मैक्सिमम डिग्री है वो क्या होनी चाहिए? 1। इसका मतलब समझ में आ रहा है? यहां पर मैंने लिखा 2x+5=0। क्या मैंने यहाँ 2x² लिखा है क्या? 2x²+5=0, ये लीनियर नहीं होगा। क्यों? देखो x की पावर कितनी आ गई? 2। अगर x की पावर 1 से ज्यादा है तो वो लीनियर नहीं कहलाता। x की पावर कुछ नहीं लगी, मतलब यहाँ 1 है, मतलब जब पावर 1 होगी तो क्या कहलाएगा वो? वो कहलाएगा लीनियर इक्वेशन। ठीक है, पावर क्या होना चाहिए? 1। पावर 1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे स्क्वायर लग गया तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। हाँ, ये इक्वेशन जरूर है लेकिन लीनियर नहीं है। ठीक है, ये भी इक्वेशन है लेकिन लीनियर नहीं है। ठीक, तो कंडीशन क्या फुलफिल होना चाहिए? वेरिएबल्स हो, कांस्टेंट हो, और साथ में ये वेरिएबल की जो पावर है वो कितनी हो? 1 हो। क्लियर? अभी दो कंडीशन सेटिस्फाई हुई, एन इक्वेशन विच हैव वेरिएबल एंड कांस्टेंट और 1 डिग्री। ठीक है, एंड देयर ग्राफ इज ऑल्सो स्ट्रेट लाइन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो देखो इसको मैं नेक्स्ट पेज में बताता हूँ। जैसे मैंने लिखा कि 2x+5=0, ठीक है, यहाँ वेरिएबल भी है कांस्टेंट भी है, एक कंडीशन। दूसरी क्या? यहाँ पर पावर 1 भी है तो ये लीनियर इक्वेशन हो गया। लेकिन साथ में एक कंडीशन और क्या होना चाहिए कि आप जब इसको लाइन को ड्रॉ करोगे, ये क्या होता है? ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। कौन सी ज्योमेट्री है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, निर्देशांक पद्धति है ये। ये मैं आपको चैप्टर नंबर 3 में बताऊंगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होती है। यहाँ पर एक्स एक्सिस होता है, यहाँ वाई एक्सिस होता है। ठीक, तो ये मैं डिटेल में बताऊंगा, आप अपडेट रहना, मैं ये बताते रहूंगा आपको। अभी के लिए आप समझ लो कि जब इस समीकरण में हम एक्स की वैल्यू रखते हैं तो एक्स की वैल्यू रखते रखते हमको कुछ पॉइंट्स मिलते हैं। ठीक है, कुछ यहाँ भी मिल सकते हैं, ऐसे ऐसे पॉइंट्स हमको मिलते हैं। ठीक, तब जब हम एक्स की वैल्यू रखते हैं, जब आप एक्स की वैल्यू रखोगे तो जो पॉइंट मिलेंगे ना वो एक स्ट्रेट लाइन बनाना चाहिए। अगर उन पॉइंट्स को हम मिला दें तो वो पॉइंट क्या बनाए? मिलके एक स्ट्रेट लाइन। कौन सी लाइन बनाए? सीधी सरल रेखा बनाए। कैसी लाइन बनाए? सरल रेखा, स्ट्रेट लाइन बनाए, तभी ये क्या कहलाएगा? लीनियर इक्वेशन कहलाएगा। क्लियर हो गया? तो 3 कंडीशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वेरिएबल और कांस्टेंट, ठीक है। पावर वेरिएबल की होना चाहिए 1, वो भी ठीक है। लेकिन जब एक्स की वैल्यू रखी जाए तो यहाँ पर जो हमको पॉइंट मिलेंगे यहाँ भरने के बाद, इस ज्योमेट्री में हम पॉइंट भरते हैं, ठीक है। तो वो पॉइंट कैसे भरते हैं वो मैं चैप्टर नंबर 3 में आपको पढ़ाऊंगा। ठीक, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जब पढ़ाऊंगा। तो अभी के लिए आप समझ लो कि जब एक्स की वैल्यू रखते हैं तो ये हमको कुछ क्या मिलते हैं? पॉइंट्स मिलते हैं। ठीक, इन पॉइंट्स को अगर मिला दिया जाए तो हमको कैसी रेखा मिलना चाहिए? स्ट्रेट लाइन। ऐसी ना मिले ये उल्टी सीधी, ऐसी तिरछी अरछी नहीं मिलना चाहिए, नहीं तो ये स्ट्रेट लाइन नहीं कहलाएगी, लीनियर इक्वेशन नहीं कहलाएगा ये। ठीक है, तो 3 कंडीशन, पहली कौन सी? वेरिएबल प्लस कांस्टेंट। दूसरी, डिग्री का मतलब होता है कि वेरिएबल की पावर, पावर को ही डिग्री बोलते हैं। ठीक है, मैक्सिमम पावर, अधिकतम घात कितनी होना चाहिए? 1, तो डिग्री होना चाहिए 1।
और जब इस इक्वेशन को ड्रॉ किया जाए तो क्या हो, ये स्ट्रेट लाइन देना चाहिए। ये तीन कंडीशन होंगी तभी कोई भी इक्वेशन क्या कहलाएगा, लीनियर इक्वेशन कहलाएगा। क्लियर हो गया? अब आपको समझ में आ गया लीनियर इक्वेशन क्या होता है। चलिए अब देखिए दूसरी महत्वपूर्ण चीज, 2x+5 इज इक्वल टू 0। अब आप ये समझ गए कि ये क्या है, एक लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। अच्छा इसमें कितने वेरिएबल दिख रहे हैं, इसमें तो एक ही वेरिएबल है, एक वेरिएबल है इसमें, है ना। तो जब एक वेरिएबल होता है तो इसको क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब मैं साथ में अगर और भी कुछ लगा दूं, 2x+5+3 इज इक्वल टू 0, तो इसमें कितने वेरिएबल आ गए, एक्स भी आ गया वाई भी आ गया, इसमें दो वेरिएबल है, ठीक है। तो आपके सिलेबस में यही वाला समीकरण है लीनियर, इसको क्या बोलेंगे, दो वेरिएबल है ना, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, मतलब जितने वेरिएबल आते जाएं तो उसमें ये नंबर बढ़ाते जाओ। लीनियर इक्वेशन है ये, कितने वेरिएबल, वन, तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ये पिछली क्लास में आप पढ़ चुके हो, ठीक है। लीनियर इक्वेशन दो वेरिएबल हैं तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, मतलब क्या बोलेंगे इसको हिंदी में, दो चरों वाला रेखीय समीकरण, इसको क्या बोलेंगे, दो चरों वाला रेखीय समीकरण, और इसको बोलेंगे एक चर वाला रेखीय समीकरण। एक वेरिएबल तो एक चर वाला, दो वेरिएबल तो दो चर वाला, ठीक है। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब क्लियर हो गया? चलिए अब मैं इसको मिटा रहा हूं, फिर मैं आपको इसका स्टैंडर्ड फॉर्म बताता हूं कि ये क्या चीज है, ठीक। चलिए अब हम इस चीज को समझते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन, मतलब स्टैंडर्ड क्या होता है इसका, लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, रेखीय समीकरण का मानक रूप, कब, जब कितने वेरिएबल दिए हों, टू वेरिएबल, तो उसके लिए स्टैंडर्ड इक्वेशन ये होता है। देखिए स्टूडेंट, ax+by+c=0, ठीक है। यहां पर ए बी सी क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। अभी लेकिन मैंने आपको बताया कि ए बी सी तो वेरिएबल होते हैं, तो देखिए स्टूडेंट एक्स और वाई यहां पर क्या है, वेरिएबल, ठीक है। हम यहाँ पर ए बी सी की जगह कुछ भी रख सकते हैं, 1 2 3, 2 3 4, कुछ भी रख सकते हो, आप इंडिपेंडेंट हो, लेकिन सारे कांस्टेंट को दिखाने के लिए हमने क्या लिए हैं, ए बी सी लिए, ठीक है। वो भी वेरिएबल हो सकते हैं, लेकिन जब वो होंगे तो बताया जाएगा, और जब नहीं होंगे तब भी बताया जाएगा, ठीक है। तो अभी मैं आपको बता रहा हूँ, आपके क्वेश्चन में भी ऐसा लिखा होता है कि ए बी सी क्या है, कॉन्स्टेंट है, और एक्स और वाई क्या है, वेरिएबल्स है, ठीक। तो यहां पर ये स्टैंडर्ड समीकरण होता है, अगर आपको कोई बोले कि लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल का स्टैंडर्ड इक्वेशन बताइए, तो आप क्या बोलोगे, ax+by+c=0, वेयर ए बी सी आर कॉन्स्टेंट, ठीक है, क्या है, अचर है, अचर, ठीक। और एक्स और वाई क्या है, वेरिएबल है, जिनको हम बोलते हैं चर, ठीक। एक कंडीशन और क्या होना चाहिए, ए एंड बी आर नॉन जीरो, ए और बी क्या होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, ए बराबर जीरो नहीं होना चाहिए और बी बराबर भी जीरो नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों, क्योंकि अगर आप ए को ही जीरो कर दोगे और इंटू करोगे एक्स के साथ तो ये जीरो नहीं हो जाएगा, बी को जीरो कर दी ये भी जीरो हो जाएगा, प्लस सी बराबर जीरो, ये कोई समीकरण थोड़े है। सी बराबर जीरो क्या होता है, सी तो कॉन्स्टेंट है, 5 बराबर 0 होता है क्या, ये कोई समीकरण नहीं है। इसलिए एक्स और वाई का होना बहुत जरूरी है, इसलिए हम क्या करते हैं, ए और बी हमें जीरो नहीं लेना है, अभी ये स्टैंडर्ड इक्वेशन मतलब ट्रू होगा, ठीक है। अब आ गया समझ में, तो लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है, ax+by+c=0, वेयर ए बी सी आर कॉन्स्टेंट, एक्स एंड वाई वेरिएबल, ठीक है। रेखीय समीकरण का मानक रूप क्या होता है, ax+by+c=0, जहां ए बी सी क्या है, अचर है, और एक्स और वाई क्या है, चर है। अचर जो होते हैं जिनकी वैल्यू बदलती नहीं है, और एक्स और वाई क्या होते हैं, चर, जिनकी वैल्यू बदलती रहती है। क्लियर हो गया? चलिए ये चैप्टर का बेसिक था, अब हम एक्सरसाइज 4.1 शुरू करते हैं, ठीक।
चलिए स्टूडेंट, एक्सरसाइज 4.1 स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। राइट अ लीनियर इक्वेशन टू द रिप्रेजेंट द स्टेटमेंट। एक नोटबुक की जो कीमत है वो एक पेन की कीमत से दोगुनी है, इसके लिए एक रेखीय समीकरण लिखिए। ठीक, तो ये हमारे पास क्या हो गई? नोटबुक। ठीक है, और ये हमारे पास क्या हो गया? पेन हो गया। ठीक, ये है नोटबुक और ये हो गया पेन। अब बोल क्या रहा है कि ये जो नोटबुक है इसकी जो कीमत है वो क्या है? पेन से डबल है, दोगुनी है, ट्वाइस। ठीक, लेकिन क्या पेन और पेन और बुक की कीमत नहीं बता रहा है, वो सिर्फ क्या बता रहा है? एक रिलेशन बता रहा है। क्या बता रहा है? खाली एक रिलेशन कि इस नोटबुक की जो कीमत है वो पेन की कीमत से क्या है? डबल। अगर हमको वो नंबर बता देता तो फिर हमको इक्वेशन बनाने की जरूरत ही नहीं है ना। लेकिन उसने नंबर बताया नहीं कि इतने रुपए का पेन है, इससे डबल कर दो तो इसकी कीमत आ जाएगी। ठीक, तो हमको जब पता नहीं होती हैं चीजें तो हम कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, कोई भी रख सकते हैं ना। मतलब हम, या तो देखो, पेन की कीमत अगर आप 5 ले लोगे तो बुक की कीमत क्या हो जाएगी? 5 × 2 मतलब कितनी हो जाएगी? 10। जब 5 लोगे तो 10 हो रही है। अगर मैं 6 ले लूं तो कितनी हो जाएगी? 12, है ना। 7 ले लूं तो कितनी हो जाएगी? 14। क्यों? ये डबल है इसकी। 5 से 10, 6 से 12, 7 से 14, 8 ले लूं तो 8 × 2 = 16 हो जाएगी। तो आप तो कोई भी वैल्यू रख सकते हो, यहाँ पर रख सकते हो ना। तो आप क्या करो, आपको प्राइस एक फिक्स तो पता नहीं है, तो आप क्या ले लो, एक वेरिएबल ले लो कि पेन की प्राइस क्या हो गई? X रुपए। किसकी प्राइस हो गया ये? पेन का प्राइस। अब पेन का अगर डबल कर दोगे तो क्या आ जाएगी? इसकी कीमत आ जाएगी, है ना। तो इसका अगर डबल करोगे आप तो इसका भी प्राइस आपको पता होना चाहिए पहले, है ना। तो इसका प्राइस हमको पता नहीं है, तो हमने क्या किया, इसका प्राइस मान लिए Y रुपए। ठीक है, इसका प्राइस भी हमको मालूम नहीं है अभी, तो हमने क्या किया, इसका जो प्राइस है वो क्या है? Y रुपीज। ठीक, तो बुक का क्या हो गया? Y, और पेन का क्या हो गया? X। अच्छा, ये रिलेशन क्या बोल रहा है? ट्वाइस इज द कॉस्ट ऑफ पेन। तो ये क्या हो जाएगा, जो पेन की जो कीमत है X रुपए और इसकी जो कीमत है Y रुपए। ठीक है, तो Y की जो वैल्यू है वो पेन की कीमत से कितनी होनी चाहिए? डबल होना चाहिए, है ना। नोटबुक की जो कीमत है वो पेन की कीमत से क्या होना चाहिए? डबल। तो हमने क्या किए कि नोटबुक की कीमत क्या है? Y रुपीज, और पेन की कीमत क्या है? X रुपीज। ये हमने मान लिया, तो हमारे पास क्या आ गया? Y बराबर क्या आ गया? 2X। ठीक है, अगर आप इसको Y माइनस इसको यहां लाओगे, इस तरफ जब लेके आते हैं तो इसके सामने कौन सा चिन्ह होता है? प्लस का। तो ये इधर आएगा तो ये बन जाएगा माइनस का, तो बराबर 0। इस तरह से आप लिख सकते हो, एक समीकरण बन गया, Y माइनस 2X बराबर 0। अगर किसी को X को नहीं लाना, Y को ले जाना है यहाँ, तो Y प्लस का है, कोई चिन्ह नहीं, मतलब प्लस का साइन है। यहाँ लेके जाओगे तो यहाँ जाएगा 0 बचेगा, यहाँ यहाँ क्या हो जाएगा? 2X, और यहाँ हो जाएगा माइनस वाई। तो 2X - Y इज इक्वल टू 0। एक समीकरण ये बन सकता है, एक समीकरण ये बन सकता है। ठीक है, तो यही इसका आंसर है। तो आ गया समझ में? चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या बोला? देखिए, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ AX + BY + C = 0 एंड इंडिकेट द वैल्यूज ऑफ ABC इन ईच। मतलब ये जो समीकरण लिखे हुए हैं हमको इस फॉर्म में बताना है इनको, जैसा ये दिख रहा है, और हमको कंपेयर भी करना है कि ABC की वैल्यू कितनी है। ठीक है, बहुत आसान है, चलिए इससे तुलना करना है, सिंप्लीफाई। तो हम यहां लिख देते हैं AX + BY = (+C = 0) प्लस है, +C = 0। पहले हम इसको इस टाइप का बना लेते हैं, तो 2X + 3Y। देखो, इस पूरे नंबर को यहाँ पर चिन्ह क्या है? प्लस का साइन है। आप यहाँ लेके आओगे तो क्या बन जाएगा? ये माइनस बन जाएगा। तो ये हो गया आंसर। अब ये दिखने लगा AX + BY + C = 0, दिख रहा है ना, उसी के जैसा दिख रहा है। देखो, AX + BY + C = 0। अब कंपेयर कर लो, ए बराबर क्या है? ए बराबर है 2। बी का कंपेयर करो, देखो बी बराबर कितना आ रहा है? 3। सी बराबर कंपेयर करो, सी यहाँ प्लस में है लेकिन यहाँ सी माइनस में है, तो ये वाली वैल्यू से कंपेयर करोगे तो सी कितना जाएगा? -9.35। और इसको, ये जो लाइन ऊपर लगी है 5 के ऊपर, इसको पढ़ते हैं बार।
ठीक है, इसका क्या मतलब होता है, 9.3555 और ये आता जाएगा बार बार, इसलिए इसको अगेन अगेन ना लिख करके एक बार हम बार लगा देते हैं, मतलब ये रिपीट हो रहा है। ठीक, तो ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 3 और सी की वैल्यू क्या जाएगी, -9.35। माइनस क्यों आ रहा है, यहाँ प्लस है लेकिन इसका चिन्ह लिया जाता है, ठीक है, जो इसमें लगा होगा वो साइन हमको लेना है, मतलब हम प्लस सी बराबर कंपेयर करते हैं इसका साइन -3.5 बार, तो ये प्लस यहाँ जाएगा तो इसको क्या करेगा, माइनस ही रहेगा, तो सी बराबर क्या जाएगा, -3.5 बार। क्लियर है, इसमें करते हैं तुलना। अब देखो इसमें 5 नीचे है, तो आप 5 का यहां गुणा करो, 5 का यहां गुणा करो, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, ये 5x - y - 10 में करोगे तो कितना हो जाएगा, 50, ठीक है, और बटे 5 = 0, ऐसा हो जाएगा। अब इस 5 को हम यहाँ ट्रांसफर करके ले जाएंगे, तो यहाँ भाग में है तो यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा, इनटू में हो जाएगा, तो 0 में गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 5x - y - 50 = 0। अब इसकी तुलना कर लो, ax + by + c = 0, दिखने लगा है वैसे ही, यहाँ पर ए कितना हो जाएगा, देखो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, +5, बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस है, यहाँ कुछ लिखा नहीं है तो जब भी लिखा नहीं होता तो उसको 1 लेट करते हैं, तो बी की वैल्यू -1, सी क्या हो जाएगा, -50 है तो सी की वैल्यू -50। क्लियर, चलिए इसमें देखते हैं, इसमें क्या करना है, -2x + 3y, इस +6 को कोई चिन्ह नहीं होता तो प्लस होता है, प्लस को जब यहां लाओगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, -0। अब इसकी तुलना कर लो, ax + by + c से तुलना करोगे तो क्या आएगा, a बराबर क्या आ रहा है, देखो यहां पर -2, b बराबर +3, c बराबर -6, ठीक है, इसको कर लीजिए क्या हो जाएगा, ये x - 3y = 0। बोले ये तो दिख ही नहीं रहा वैसा, अरे दिख रहा है देखो तो, ax + by + c = 0, बोले सी तो है ही नहीं, अरे सी नहीं है तो 0 जोड़ दो ना, क्या दिक्कत है, अब तुलना करो, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो यहाँ कुछ नहीं लिखा तो 1 है, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, 1, बी की वैल्यू इससे तुलना करो, -3 आ जाएगा, -3, और सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, कुछ है ही नहीं, 0 है, तो सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। ये भी अपने आप में क्या है, एक लीनियर इक्वेशन है, तो ए बी सी की वैल्यू ये हो गई। चलिए आगे समझ में, आगे देखते हैं, सेम वैसे ही क्वेश्चन है, देखिए -5y को यहां ट्रांसफर करो तो 2x + 5y = 0, अब यहाँ c नहीं है तो क्या लिख दो, 0 लिख दो, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी है, 0 जोड़ोगे तो कुछ फर्क भी नहीं पड़ेगा, तो ax + by + c = 0, तो a = 2, b = 5 और c = 0। इसमें कर लीजिए सेम वही है, बस थोड़ा सा अंतर है, 3x प्लस, अब देखो इसमें y वाला नहीं है, तो जो टर्म ना हो उसको 0 के साथ आप लगा के लिख सकते हो, क्यों, किसका 0 को तो कोई मतलब ही नहीं होता, 0 * y 0 ही होगा, प्लस करोगे तो भी 0 आएगा, तो ऐसा मैं लिख सकता हूँ, +2 अलग से लिख लो, 2 तो है ना। अब तुलना कर लो, ax + by + c = 0, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3, बी की वैल्यू कितनी आ रही है, 0, बी क्या होता है, वाई का कोफिशियंट होता है, सी की वैल्यू क्या आ रही है, +2 आ गया। इस वाले में देखिए इसमें एक्स नहीं है, तो एक्स नहीं है तो 0x लिख लो उसको, प्लस बीच में कोई साइन नहीं, मतलब +y - 2 = 0। अब इसकी तुलना कर लो, ax + by + c = 0, तो ए की वैल्यू क्या थी, 0, बी की वैल्यू क्या है, यहाँ कुछ नहीं लिखा होता तो 1 और प्लस लगाए तो +1 है ना, और सी बराबर क्या आ जाएगा, ये -2। अब इसमें कर लो, अब 2x यहाँ है तो इसको मत लाओ इधर, इस 5 को ले जाओ यहाँ, ठीक है, तो 2x - 5, ये 5 यहाँ लेगा तो यहाँ क्या बचा, 0 बचेगा, फिर से वैसे ही बन गया है ना, तो यहाँ y नहीं है तो 2x + 0y - 5 = 0। अब तुलना कर लो, ax + by + c = 0, ए कितना आ जाएगा, देखो a = +2, b = 0 और c = -5। इस तरह से ये 4.1 एक्सरसाइज खत्म हो जाती है।
आप इस एक्सरसाइज को बार बार प्रैक्टिस करिए, बार बार रिपीट करिए और अच्छे से इसको रिवाइज करिए ताकि आपके दिमाग में वेरिएबल, कॉन्स्टेंट और लीनियर इक्वेशन बैठ जाए। ठीक है, चलिए। तो ये था आज हमारा लेक्चर एक्सरसाइज 4.1। अब अगली जो क्लास होगी उसमें मैं आपको एक्सरसाइज 4.2 करवाऊंगा। ठीक है स्टूडेंट, अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो, कहीं पर भी कोई डाउट हो। और इंस्टाग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप वहां पर भी जाके मुझे फॉलो कर सकते हो और वहां पर भी अपने डाउट बता सकते हो। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। फॉर मोर अपडेट प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।